अपनी हॉरर डोज को सेटिस्फाई करते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाइए, ताकि आप मेरी कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना कर दो। टॉप 5 घोस्ट वीडियोस बाय स्केरी पिल्स। नंबर 1, द घोस्ट ऑफ नेपाल। आज की हमारी पहली वीडियो अनीश गुरांग नामक एक व्यक्ति ने रिकॉर्ड करी थी, जो नेपाल देश के रहने वाले एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं। और इस वीडियो के अंदर अनीश एक अबेंडेंट एंड हॉन्टेड बिल्डिंग की एक्सप्लोरेशन करने गए होते हैं। ये एक ऐसी अपार्टमेंट को एक्सप्लोर करने गए हुए थे जो नेपाल में आए 2015 के भूकंप के बाद से एकदम खंडर हो गया था, और जो लोग भी यहाँ रहा करते थे वो इस जगह को काफ़ी पहले ही छोड़कर चले गए थे। लेकिन अनीश को अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई भी पैरानॉर्मल घटना देखने को तो नहीं मिलती, लेकिन वीडियो के एंड में उन्हें एक रियल लाइफ घोस्ट साइटिंग जरूर देखने को मिल जाती है, जो सच में उन्हें वहाँ से डर कर भागने पर मजबूर कर देती है। वीडियो में 11 मिनट बाद उन्हें उस घर के एक फ्लोर पर एक महिला सफेद कपड़ों में बैठी हुई दिखाई देती है, जिसको देखकर वो इतना ज़्यादा डर गए थे कि उस चीज़ की एक साफ झलक भी नहीं ले पाए। लेकिन आप लोगों के हिसाब से वो आकृति क्या सच में कोई भूत थी, और अगर नहीं तो वो क्या चीज़ थी? अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा। नंबर 2, द लॉस्ट स्पिरिट। आज की हमारी तीसरी वीडियो को एक व्यक्ति ने अपनी कार की डैश कैम की मदद से रिकॉर्ड करा था, और इस वीडियो को इंडिया के ही किसी सुनसान सड़क पर रिकॉर्ड किया गया था। और इस वीडियो के अंदर आप लोग देखोगे कि आधी रात के समय में तेज़ बारिश होने के साथ साथ जब ड्राइवर अपने कार को एक ऐसी भूतिया सड़क के पास पहुंचा देता है, तब उसे कुछ ऐसा भयानक और खौफनाक नज़ारा भी देखने को मिल जाता है। वीडियो के अंदर हम देख सकते हैं कि जैसे ही वो ड्राइवर उस रोड पे टर्न लेता है, तब उसको अपने सामने एक स्त्री दिखाई देती है, जो उस कार को देखते ही चिल्लाना भी शुरू कर देती है। हालांकि इस घटना के बाद ड्राइवर का कैमरा एकदम बंद पड़ जाता है, और ये फुटेज यहीं पर ही समाप्त हो जाती है। लेकिन क्या हो सकता है कि उस रोड पर किसी महिला का एक्सीडेंट होने के बाद से उसकी आत्मा वहीं पर भटक रही हो, जिसकी वजह से हमें कुछ ऐसा नज़ारा देखने को भी मिला है? अपनी राय जरूर बताइएगा। नंबर 3, द डेड बॉडी एंड द ब्लड। आज की हमारी तीसरी वीडियो दो दोस्तों ने एक 3 AM चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए रिकॉर्ड किया था, और इस वीडियो के अंदर ये दोनों दोस्त एक ऐसे अबेंडेंट हाउस की एक्सप्लोरेशन करने गए होते हैं जो काफ़ी सालों से बंद पड़ा हुआ होता है, और इस वीडियो के अंदर उनके कैमरा में एक ऐसी चीज कैप्चर हो जाती है जिसको देखकर आप लोगों का दिल सहम जाएगा, क्योंकि वीडियो में करीब 7 मिनट और 15 सेकंड बाद उन्हें सबसे पहले तो वहां पर रखी हुई एक पोर्टेबल लैडर पर कुछ खून के निशान पड़े हुए दिखाई देते हैं, जिनका रंग देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये निशान ज़्यादा पुराने तो बिल्कुल नहीं है। और इस नज़ारे के बिल्कुल कुछ ही देर बाद उन्हें उस घर की एक दीवार के पार कुछ ऐसी चीज भी देखने को मिल जाती है। वीडियो के अंदर एक काफ़ी डिस्टर्बिंग साइटिंग कैप्चर हो जाती है, जिसमें हम देख सकते हैं कि एक रियल लाइफ डेड बॉडी पड़ी हुई दिखाई देती है,
जिसको एक सफ़ेद कपड़े से लपेटा हुआ भी होता है और उसके ऊपर लगभग हर जगह खून के भी निशान लगे हुए होते हैं। इस साइटिंग को देखते ही दोनों दोस्त तुरंत वहाँ से भागकर पुलिस स्टेशन की ओर जाने लगते हैं, लेकिन किसी टीनेज बच्चों के लिए एक खून से भरी हुई डेड बॉडी को देखना, वो भी एक हॉन्टेड एंड अबैंडन्ड बिल्डिंग में, सच में ये सफ़र उनके लिए काफ़ी नींद उड़ा देने वाला साबित रहा होगा। और क्या वो लोग आज भी इस नज़ारे को भूल पाए होंगे? आपको क्या लगता है? नंबर 4, द हाउस ऑफ सेटन। आज की हमारी चौथी वीडियो कुछ दोस्तों ने कुछ समय पहले अपलोड करी थी, वो भी एक ऐसे हॉन्टेड घर के अंदर जहाँ पर एक संस्था कुछ समय पहले अपने काले जादू की प्रैक्टिस किया करती थी। और उस घर में दाखिल होने के बाद उन दोस्तों के साथ जो घटना हुई, उसे देखकर ऐसा लगने भी लगेगा मानो जैसे आज भी उस घर में काले जादू का असर बेकरार है। उस घर में एंटर करते ही उन्हें वहाँ की सभी दीवारों पर कुछ डरावनी ड्राइंग बनी हुई दिखाई देती है। हालांकि इसके बाद वो सभी दोस्त उस घर के बेसमेंट में जाने का डिसाइड करते हैं, और उस बेसमेंट में जाना शायद उनकी ज़िंदगी का सबसे ख़राब और भूतिया फैसला भी रहा होगा। बेसमेंट में से काफ़ी अजीब स्मेल आ रही होती है, जिसकी वजह से उनका एक दोस्त तो वहाँ पर ही उल्टी भी कर देता है। उसके बाद उन्हें वहाँ पर किसी चीज़ के टूटने की साउंड आती है, और उस साउंड के आते ही उस बेसमेंट में रखा हुआ एक पियानो भी अपने आप ही बजना शुरू हो जाता है। पियानो की आवाज़ सुनकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका एक दोस्त जिसका नाम जॉन होता है, वो पीछे ही रह जाता है, जिसकी आवाज़ सुन के ऐसा भी लगता है जैसे उसको किसी ने पकड़ लिया हो। हालांकि उनका वो दोस्त भी उस घर का शीशा तोड़कर वहां से भाग आता है। लेकिन आखिरकार जॉन के साथ हुआ क्या था, और उस घर में वो पियानो अपने आप बजने कैसे लगा? क्या उस घर में आज भी काला जादू होने के कारण से वहां पर आत्माएं भटकती हैं? अपने विचार जरूर प्रकट कीजिएगा। नंबर 5, द वार्निंग स्पिरिट। आज की हमारी आखिरी वीडियो कोस्ट ऑफ ब्रिटेन नामक एक होस्ट हंटिंग टीम ने रिकॉर्ड करी थी, और इस वीडियो क्लिप के अंदर ये पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की टीम एक काफ़ी पुराने अपार्टमेंट की एक्सप्लोरेशन करने चले जाते हैं, और अपनी एक्सप्लोरेशन के दौरान उन्हें वहाँ पर कुछ ऐसा भी एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है। वीडियो के अंदर हम देख सकते हैं कि उन्हें उनके स्पिरिट बॉक्स के अंदर से कोई आत्मा ब्रियाना नाम को पुकारती हुई सुनाई देती है, और उसी दौरान उनके सामने रखा हुआ एक छोटा टेडी बियर भी अपने आप ही गिर जाता है, जिसको देखकर ऐसा लगता है जैसे उस गुड्डे के बिल्कुल पास से काफ़ी तेज हवा क्रॉस हुई हो, जिसकी वजह से ऐसा हुआ था। खैर, आप लोगों की इस वीडियो पर क्या राय है मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको आज का हॉन्टेड सफ़र भी ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर आप मेरे साथ ऐसे और भी हॉन्टेड सफ़र पर जाते रहना चाहते हो तो मेरे चैनल स्केरी पिल्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे अगली बार एक और नए हॉन्टेड सफ़र के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।